और यहाँ पर आपको आगाह करते चलें, आई है एक सिंध हुकूमत की जानिब से बहुत ही अहम खबर। और यहाँ पर तालीमी इदारों को फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया गया, तमाम तर तालीमी इदारे फिर से बंद कर दिए जाएंगे। यहाँ पर सिंध हुकूमत ने तलबा के लिए बहुत ही बड़ी खबर सुना दी है। दूसरी जानिब यहाँ पर जितने भी तफरीही पार्क्स हैं, सी व्यू हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी होटल्स हैं उनके अंदर डाइनिंग पर एक बार फिर से इनडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद करने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने नया ऐलान किस वजह पर किया है यहाँ पर वीडियो में आपको बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे गुजारिश करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलिए। ख़वातीनो हज़रात, याद रखा जाए कि हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ पर कोरोना वायरस की वबा के कम होने की बुनियाद पर तमाम तर तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर तालीमी इदारों को बंद किया जा रहा है और पहली जमात से आठवीं जमात के तलबा व तालबात के स्कूल यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जुमे के रोज से बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद जब तक कोरोना की वबा कम नहीं हो जाती नहीं खोले जाएंगे। दूसरी जानिब जितनी भी बड़ी जमातें हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जमात के इम्तिहानात लेने के फौरी तौर पर स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज को भी जिनके इम्तिहानात हो चुके हैं उनको बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। ये कहा गया है कि इनडोर डाइनिंग पर भी मुकम्मल तौर पर बंदी होगी। और दूसरी जानिब जितने भी तफरीही पार्क्स हैं, सिनेमा हाउस हैं, सी व्यू है, यहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। वजारत खारजा चीनी सफारतखाना से करीबी रबते में भी रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर दूसरे ममालिक से भी कोरोना वायरस के हवाले से भी बहुत ही ज़्यादा इतलात मौसूल की हैं, जबकि पाकिस्तान में दोबारा से कोरोना के बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये फैसला सिंध हुकूमत की जानिब से लिया गया है। दूसरे सूबों के हवाले से फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आई है। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।